फेस्टिवल सीजन मतलब कि तरह तरह के पकवान खाने का टाइम। जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है तो हमको इंतजार होता है कि उस फेस्टिवल के टाइम पर बनने वाली उस एक खास डिश का। ऐसी ही एक डिश है हमारी खिचड़ी, जो बंगाली फेस्टिवल्स में खास तौर पे बनाई जाती है, जो दुर्गा माता की पूजा होती है उस समय पर। और इनका जो स्वाद होता है ना, जो पंडाल में जो मिलती है पूजा के बाद, जो भोग बटता है, जो प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है, उसका स्वाद तो बहुत ही उम्दा होता है। मैं अपनी कुछ मेमोरीज़ के सहारे और अपने दोस्तों से हेल्प लेकर आज वो खिचड़ी को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डिश को बोलते हैं खिचड़ी, खिचड़ी, भोग खिचड़ी, ऐसे इसके काफ़ी सारे नाम हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूं नदीम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। आपको पहली चीज जो लगेगी वो है मूंग दाल, और उसके बाद फिर राइस, उसके बाद आपको इन सबको फ्राई करने के लिए इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है वो होता है घी। सरसों तेल होता है पर बहुत ही कम यूज होता है। जो मेन इसे बनाया जाता है वो घी के थ्रू बनाया जाता है। उसके बाद आपको लगेगी ये कुछ हरी मिर्ची। तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पर मिर्ची ली है। दो तरह की मिर्ची है मेरे पास। पहली है तीखी वाली, और ये जस्ट चिली फ्लेवर के लिए मैंने हल्की तीखी वाली मिर्च ली है, जो महाराष्ट्र में बहुत आसानी से मिल जाती है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो मेन इस खिचड़ी को जो जायका देता है वो है पंचफोरन। इसे पांच तरह के स्पाइसेस से मिलाकर बनाया जाता है। इसमें होता है सरसों, मेथी दाना, कलौंजी जो काला छोटा सीड्स होता है, और उसके अलावा आपको इसमें मिलता है सौंफ और ज़ीरा। इन पांचों चीज़ों को मिलाकर ये मसाला तैयार किया जाता है, और यही वो चीज़ है जो इसको इसका डिस्टिंक्ट जो टेस्ट है वो देती है। उसके अलावा हमारे पास मसालों में है यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा पीस नहीं पाया मैं, बट ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसे थोड़ा सा और कूट लेंगे हम डालने के पहले। उसके अलावा हमारे पास है हल्दी और नमक। अब इसमें डलता है जिंजर का पेस्ट भी, लहसुन इसमें बिल्कुल नहीं डलता है। तो यहाँ पे देखिए ये जिंजर है। उसके अलावा खड़े मसालों में हमारे पास है यहाँ पर बेलीफ और कश्मीरी लाल खड़ी मिर्च। अब इसमें वेजिटेबल्स की बात करते हैं। हालांकि ये बहुत वर्सेटाइल है, आप इसमें जितने चाहे वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आलू को खासतौर से हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना और इस गोभी के बिना तो खिचड़ी बनी नहीं सकती। तो ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है, आपको ये डालना ही पड़ेगा इसमें। और इसको उन पंडाल में मिलने वाली खिचड़ी का स्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कुमड़ा। और मैंने एक बार बचपन में खाया था एक पंडाल के पास, तो उन्होंने कच्चा आम भी डाला था। तो हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाएंगे। तो इसके अलावा मैं इसमें जो मटर है वो भी डालूंगा, फ्रोज़न वाली, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब चलिए किचन की तरफ और इसे तैयार करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है मूंग दाल। मूंग दाल को मैं यहाँ पर जो बर्तन है उसमें डाल के ड्राई, बिना किसी ऑयल, बिना किसी घी के मैं इसे यहाँ पर डालकर अभी ड्राई रोस्ट करूँगा। तो इसे आपको चलाते रहना है ताकि ये एकदम ज़्यादा जल नहीं जाए। जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रहा है, हम क्या करते हैं कि ये जो राइस था इसे मैं वॉश करके कुछ देर के लिए भिगा के छोड़ दूंगा। इसे लगभग आपको आधे घंटे तक भिगा के रखना है। अभी दाल का कलर काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, आई थिंक ये हो चुकी है रोस्ट, इसे ओवर रोस्ट नहीं करना है। तो अब मैं इसे एक जो जाली है उसमें निकाल लेता हूँ। अब इसे हम थोड़ा कूल होने देते हैं, जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे वॉश करेंगे और फिर बाकी का प्रोसेस चालू करेंगे। तो अभी सेम पैन में मैं यहाँ पर घी या फिर ऑयल, सरसों तेल का दोनों का ऑप्शन रहता है, बट अगर किसी बंगाली खाने में आपने सरसों तेल नहीं डाला तो यार क्या मज़ा है। इसलिए मैं घी को रिप्लेस कर रहा हूँ इस स्टेप पे, और यहाँ पर सरसों के तेल में इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगा। और सरसों का तेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि आपको उसे पहले थोड़े देर एकदम गर्म होने देना है। अगर आप सरसों के तेल को गर्म होकर धुआं नहीं छोड़ने देंगे तो उसमें आप जो भी बनाने जा रहे हैं ना उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी कच्चा होता है। उसे थोड़ा सा आपको हाई फ्लेम पे पकाना होता है ताकि उसका कच्चापन जो है निकल जाए। उसकी पहचान ये है कि तेल में से हल्का सा स्मोक आने लगता है। अभी धुआं निकलने लगा ना इसमें से, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें जो वेजिटेबल्स ऐड कर देता हूँ, इसमें मैं मटर भी ऐड करूँगा। इसे आप मीडियम फ्लेम पे थोड़ा आराम से चलाते रहिए, भूनते रहिए। जो मूंग दाल हमने रोस्ट करी थी वो काफ़ी ठंडी हो चुकी है, तो इसे मैं वॉश करता हूँ, फिर उसी राइस के साथ सोप कर दूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले भिगा के रखा है। मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें टमाटर भी डलता है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, तो उसे भी हम इसी स्टेप के बाद ऐड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, सब्जियों को आपको इतना ही पकाना है कि ऊपर की लेयर क्रिस्प हो जाए और अंदर से वो थोड़ा कच्चा रहे, क्योंकि हम इसे दाल और चावल के साथ पकाने वाले हैं।
लास्ट स्टेप में, तो कहीं ये बहुत ज़्यादा ना गल जाए, इसलिए आप हाई फ्लेम पे भूनिए ताकि आउटर लेयर अच्छे से फ्राई हो जाए। आई थिंक ये अभी बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है, तो मैं इसे अभी खाली कर लेता हूँ और ये जितना भी ऑयल बचा हुआ है ना, इसी में मुझे ये टोमेटोज को थोड़ा सा ब्लांच कर लेना है। इसे गलाना नहीं है बट इसे बहुत ही हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। जो हरी मिर्ची हमने ली थी उसी भी मैं इसी टमाटर के साथ ऐड करने वाला हूँ। बस ये अभी एकदम ज़्यादा गल जाएगा इसलिए मैं इसे उतार लेता हूँ। अब इसी पैन में मैं फिर से घी डालने वाला हूँ क्योंकि अब मसालों की बारी है। सबसे पहले हमारी ये कश्मीरी मिर्च तोड़ लेता हूँ। सबसे ज़्यादा स्वाद जो इसमें आता है वो इस बे लीफ से आता है। नमक मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, बाकी बाद में एडजस्ट करूँगा। साथ में हल्दी, जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे पंचफोरन। अब ये मसाले में मैं अदरक का पेस्ट था वो भी ऐड कर देता हूँ। मसाले अब अच्छी तरीके से भुना गए हैं। अब हम इसमें जो हमारा राइस था और वो भुनी हुई मूंग दाल थी उसे ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। सारे मसाले राइस और दाल में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा। अब ये काफ़ी देर तक पकेगा क्योंकि चावल और दाल गलने में तो समय लगेगा ही। इसमें जो पानी है उसका कुछ ऐसा रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे चेक करके ऐड करते जाइए। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इसमें फिट होगा कि नहीं, तो बेटर होगा कि मैं कोई दूसरा बर्तन ले लेता। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें आराम से आ जाएगा। इसमें मैं बाकी की जो हमारी सब्जियां थी उसे ऐड कर रहा हूँ। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब इसे हमें और देर पकाना है तो मैं इसे ढककर छोड़ देता हूँ। इसे थोड़ी थोड़ी देर में आप ऐसे चेक करते रहिए। तो फाइनली हमारी खिचड़ी अभी रेडी हो चुकी है। इसे मैंने आधे घंटे स्लो फ्लेम पे पकाया। बीच बीच में मैं इसे आकर चलाते रहता था ताकि ये नीचे से जलकर चिपके ना। अभी मैं आपको इसका फाइनल रूप दिखाता हूँ और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। वाओ, चलिए फिर बैक टू टेबल एंड ट्राई दिस। तो मैं भी आपको इसे खा के बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा आ रहा है। वाओ, जो मसाला हमने इसमें ऐड किया था पंचफोरन, उसकी वजह से हर एक बाइट में आपको अलग टेस्ट पता चलेगा। कभी आपको कलौंजी का स्वाद आएगा, कभी सौंफ की फ्रेशनेस। और जो सब्जियां हमने फ्राई करी थी, हालांकि बाहर से तो उसमें बहुत अच्छा फ्राई करने की वजह से स्वाद आ गया, पर जो अंदर से अभी भी उसमें क्रंच है तो उसकी वजह से इसको खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, और इवन आप इसे रेगुलरली भी नॉर्मल खिचड़ी की जगह बना सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। एंड आई होप मैंने इसके साथ जस्टिस किया होगा। प्लीज़ अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। ये बस एक मेरा कोशिश थी मेरी छोटी सी कि मैं ऐसी चीज़ें बना पाऊँ, हर त्यौहार में एक हर उस तरीके की रेसिपी को शेयर कर सकूँ जो हमारे देश की जो इतनी खूबसूरत कुजीन है उसको दर्शाती है। तो गाइस इसे आप ज़रूर ट्राई करें। ऑलमोस्ट अब नवरात्रि ख़त्म होने को आ गई है और अभी दशहरा आने वाला है। आप सबको दशहरा की बहुत सारी बधाई एडवांस में। दिवाली भी आ रही है, हमारा देश जगमगाने वाला है, तो आप सब त्यौहार अच्छे से मनाएं, सेफली मनाएं। एंड आई होप जिस तरीके से बुराई ख़त्म होती है, ये कोरोना भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम फिर से प्यारी ज़िंदगी पुरानी तरह जीने लगेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।